के कमल राशिद खान, ये बॉलीवुड में काम करने आए थे, जिन्होंने पहले एक देशद्रोही करके फिल्म बनाने की कोशिश की थी और वो बनी पिक्चर। इसके पहले भी उन्होंने एक दो सी ग्रेड की पिक्चरें बनाई, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद बिग बॉस में आए, बिग बॉस में सलमान से झगड़ा, फिर इनसे झगड़ा, उनसे झगड़ा। एक ऐसी चीज़ मुझे केआरके के अंदर नहीं दिखी जो एक इंसान करता हो। ये अलग ही टाइप का प्राणी है, अलग ही कुछ है, ये अलग ही कुछ है। लेकिन चलो, वो फिल्म का रिव्यू देते हैं, फिल्म के रिव्यू की बैंड बजाते हैं। फिर कई बार ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि ये पैसे लेके रिव्यू देते हैं, क्योंकि अजय देवगन के जो मैनेजर थे कुमार मंगत, उन्होंने कुछ एक रिकॉर्डिंग वायरल कर दी थी केआरके के साथ, जो बोल रहे थे कि ऐ दिल है मुश्किल, करण जौहर की पिक्चर में मैं तो 25 लाख ले लिया, इसलिए मैंने उसका प्रमोशन किया, लेकिन आपने मुझे पैसे दिए नहीं तो मैं आपकी फिल्म का प्रमोशन क्यों करूं। मतलब पैसे लेके ये भी प्रमोट करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम तो समोसा क्रिटिक्स और क्या हो। बात यहाँ पे है कि कोई किसी के रिलेशन में होता है तो अगर रियल क्रिटिक्स है तो वो क्या करेगा, उसके क्रिटिक्स देगा ही नहीं। मतलब अगर एक सही बात बोलूँ, अगर आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते और मैं अगर क्रिटिक्स दे रहा होता, तो मैं अपने दोस्त के लिए अगर इनकेस पिक्चर अगर अच्छी नहीं बनती, जैसे ड्राइव पिक्चर वो करण जौहर ने किस तरह से क्या प्लानिंग करके बनाई, फिर भी सुशांत की एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसमें, लेकिन अगर उस टाइप का रिव्यू मुझे देना पड़े तो मैं पब्लिक के साथ झूठ नहीं बोलूँगा और मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, तो मैं इसका रिव्यू भी नहीं दूंगा, जाने दो। और किसी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो मैं सच्चा रिव्यू दूंगा ये। लेकिन केआरके ऐसा नहीं करता, केआरके सिर्फ रिव्यू देता रहता है अपने हिसाब से। चलो, इसके बारे में अलग ही वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि केआर के बारे में शॉर्टकट में एक बात बता दूं, केआर के वो इंसान है जिन्होंने काईपोचे से लेकर, धोनी से लेकर, सुशांत सिंह राजपूत की सारी फिल्मों का बहुत बुरा बुरा रिव्यू दिया और स्पेशली उसमें सुशांत सिंह राजपूत को ही जिम्मेदार ठहराया गया। वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। आज केआरके, कल केआरके को अरेस्ट किया गया मुंबई पुलिस के थ्रू, इसके पीछे का रीज़न मैं बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, इसके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को हर्ट जिन जिन लोगों ने किया जब वो जिंदा था मेंटली, उसमें से एक केआरके भी है। ये मैं एक वीडियो बना के आपको प्रूफ कर दूंगा। मुंबई पुलिस ने केआरके को अरेस्ट किया, क्यों किया? 2020 में एक कोई ट्वीट था जिसमें ये लिखा था इरफान खान और ऋषि कपूर साहब के जाने के बाद कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो बहुत सारे फेमस लोगों को लेके जाने वाला है। भाई साहब, उस टाइम सब दुखी थे, कोरोना से ऑलरेडी परेशान थे, ऋषि कपूर साहब की सारी इंडस्ट्री इज्जत करती है, पूरे लोग इज्जत करते हैं, और इरफान खान वो एक्टर है जमीन से उठ के अपने बलबूते पे बने थे, और केआरके उसके जाने के बाद ये करता है कि हमें पता है कि बहुत सारे फेमस लोग इसके बाद जाने वाले हैं और कि कोरोना ने कर दिया, मुझे पता था ऋषि कपूर और इरफान खान साहब का नाम है और भी एक दो बड़े बड़े नाम इसमें जाने वाले हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत के जाने के पहले उसने ट्वीट किया था। तो क्या इसको पता था? क्या कहानी बनाता है, ये कुछ भी अपने मन से बोलते रहता है और आप लोग चुप हो। लेकिन यहाँ साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ ये है कि ऋषि कपूर साहब जब अंदर एडमिट थे तो ये भाई साहब क्या बोलते, पता है कि यार कि इसको कोई ज़रा से भी इसको हमदर्दी नहीं है किसी इंसान के लिए। ये आदमी लिखता है कि ऋषि भाई साहब आप अंदर हो ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऊपर मत चले जाना, ऊपर मत चले जाना, बाहर आ जाइए, दारू का दुकान अभी भी खुला है, दारू का दुकान कुछ दिन में खुलने वाला है। ये क्या होता है ट्वीट? वो बेचारा इंसान ऋषि कपूर साहब अंदर ये मौत और जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और तुम ये ऐसे ट्वीट करते हो। ये केआरके वही है जो अभी शराब की बात कर रहा है, ये वही है तो शराब पी के कितनी सारी पार्टियों में इसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया बॉलीवुड वाले की तरफ से। अब बात करते हैं आगे की। इसका कोई पर्सनल बॉलीवुड से सारी दुश्मनी नहीं है। आज इसको पैसे दिया जाए, क्योंकि इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल था अक्षय कुमार के धनाधन दे धनाधन सारी की सारी फ्लॉप बोल रहा था, बच्चन पांडे में इसको पैसे मिले, बच्चन पांडे में इसने तारीफ कर दी अक्षय कुमार की, जिसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था। लेकिन इसके बाद भी इसको यहाँ पैसे नहीं मिलते, वो नहीं करता। अब केआरके को कल अरेस्ट किया गया। आज की बात यह है कि 14 दिन की कस्टडी तय हो गई इसकी। अब इसके पीछे कौन कौन है, अब ये तो बताने वाली बात है कि चलो दो, अच्छा लोग बोलेंगे 2020 की वजह से अब कैसे क्या अरेस्ट किया, क्योंकि केआरके मुंबई आता ही नहीं है, इंडिया आता ही नहीं है, वो
वो दुबई में ही रहता है, दुबई में ही काम करता है, क्या काम करता है क्या नहीं करता है वो वही जाने। कुछ लोग बोलते हैं कपड़ों का करता है, कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं किस किस चीज़ का करता है, लेकिन यूट्यूब का तो बिजनेस है उसका, यूट्यूब पे तो पैसे वो कमाता है और अच्छे खासे कमाता है, उसके व्यूज़ भी आते हैं। इसी वजह से वो लोगों को डराता भी है कि मैं फिल्म का ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और फिल्म के क्रिटिक्स के लिए पैसे भी लेता है। ये वही है के जिसने रिया चक्रवर्ती एक पिक्चर थी चेहरे, जिसके बारे में बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। मतलब ये के रिया चक्रवर्ती की पिक्चर के अच्छे रिव्यू देता है, सुशांत सिंह राजपूत के बुरे देता है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ। और उसके बाद अब ये जो के अरेस्ट हुए हैं, 14 दिन की कस्टडी हुई है, मुझे लगता है बॉलीवुड का हाथ है या नहीं है पता नहीं, लेकिन एज ए इंसानियत मैं बोलूँ, जो ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब और सुशांत सिंह राजपूत की इज्जत ना करें, वो इस तरह के ट्वीट करें किसी के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान को सज़ा तो मिलनी चाहिए। बाकी पुलिस वाले देखें और क्या होगा क्या नहीं देखें, शायद मुंबई पुलिस तो कभी, मुझे तो नहीं लगा 17 साल के अंदर कभी कुछ काम किया उन्होंने, मेरी पर्सनल इस पर तो नहीं है। और सुशांत के केस में तो उन्होंने क्या किया ये साहब भी जानते मैं भी जानते हूँ, लेकिन एटलीस्ट के को थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस मिलनी चाहिए अंदर, ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि किसी का ट्वीट करना, किसी को परेशान करना, आप तो बैठे बैठे आप किसी को किसी की इज्जत पे उछाल देते हो सारा कीचड़, और वो बेचारा क्या परेशानी करता है, उसको क्या फील होता है। क्योंकि सुशांत ने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं था, फिर भी उसके फिल्मों का आप बुरा रिव्यू दे रहे थे, क्यों? सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपको, क्योंकि चलो अभिषेक कपूर ने आपको पैसे नहीं दिए या फिर किसी उनके प्रोड्यूसर ने आपको पैसे नहीं दिए केदारनाथ के लिए, तो आप बुरा रिव्यू दोगे। और अगर 14 दिन की कस्टडी हुई है तो मेरे हिसाब से देखो, जैसे कोई इंसान जाता है तो हम रेस्ट इन पीस लिखते हैं या फिर एक थोड़ा सा सिंपथी देते हैं उनके लिए, या अगर कुछ नहीं बोलना है या अगर हमारा दुश्मन भी है तो हम फिर बात ही नहीं करते, छोड़ो जाने दो जैसा भी था, लेकिन जाने दो, अब दुनिया में नहीं है तो फिर क्या बात करें, ये करते हैं मैक्सिमम। लेकिन इसका केआरके की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी इरफान खान से, ऋषि कपूर साहब से, लेकिन फिर भी अपने फायदे के लिए कुछ भी लिखो, कुछ भी बनाओ, कुछ भी ट्वीट करो, ये कोई बात होती है कि ऊपर मत चले जाना, बाहर आना, दारू की दुकान खुलने वाली है, और उनके दोनों के जाने के बाद ये लिखना कि भाई कोरोना बहुत सारे फेमस लोगों को लेके जाने वाला है और अभी भी और भी बहुत सारे नाम आने वाले हैं, ये क्या बात होती है? आपको इसमें क्या लगता है कि यार के का जो अभी अरेस्ट हुआ है, 14 दिन की कस्टडी है, इसमें क्या बॉलीवुड का हाथ हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड के लोग केआरके के खिलाफ है, जैसे कि कुछ स्पेशल नाम है, जैसे सलमान खान, अजय देवगन, ये दो तो उसके टारगेट पे हमेशा ही रहते हैं, करण जौहर भी है, महेश भट्ट भी है, आलिया भट्ट है, रणबीर सिंह तो है ही, और ऊपर से रणबीर कपूर भी आज की डेट में, पहले रणबीर कपूर की बहुत तारीफ करता था ये, लेकिन रणबीर कपूर भी उस लाइन में आ गए। अब पता नहीं तापसी, कंगना, ये सब के खिलाफ है ये आज अगर कोई इसमें से, सलमान खान भी अगर आज उसको दे दे पैसे 25 लाख, तो वो सलमान खान की पिक्चर की भी तारीफ करेगा। ये केआरके है, केआरके का कोई ईमान धर्म नहीं है, वो अपना पैसा लेके रिव्यू करता है, यही उसकी फैक्ट है। लेकिन ये अलग चीज़ है, पैसा लेके बहुत सारे रिव्यू करते हैं, करण ये केआरके ही नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसा लेके रिव्यू करते, लेकिन केआरके का ये ट्वीट करना, ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब के जाने के बाद इस टाइप का ट्वीट करना कि फिर कोरोना बहुत सारे लोगों को लेके जाने वाला था, हमें पता है, और भी एक दो लोगों का नंबर है, मतलब सुशांत के जाने के पहले की बात, तो ये क्या था, ये सही नहीं है। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, इंसाफ के लिए।